बात है 2015 की, जब मेरी एक कज़न ने मुझे कैलीग्राफी का ऑर्डर दिया था और उनको लगता था कि मेरे अंदर टैलेंट है और मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने उनके लिए एक आर्टवर्क बनाया था जो कि अभी के रीसेंट टाइम में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस वक्त बिल्कुल बेसिक काम करता था। तो वहाँ से मेरा शौक़ शुरू हुआ था एज अ प्रोफेशनल, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई की वजह से मैंने उस काम को इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना मैंने उसके ऊपर फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अच्छा चला। कैलीग्राफी जो है मेरा शौक़ बचपन से ही है, लेकिन मैंने इसको जो परसू किया एज अ बिज़नेस वो मैंने कोरोना के दरमियान ही किया। इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, जिसमें जिन्हें मैं रूहानी भाई कहूँगा। एक सोशल मीडिया का ग्रुप है जिसके ज़रिए मुझे जो है बहुत पजीराई मिली और मेरा काम को सराहा गया। को सिखाने वाले तो बहुत सारे मौजूद हैं, इसके सिखाने में बेसिक चीज़ें सब पढ़ाई जाती हैं वो मैंने जो है अपने यूनिवर्सिटी के ही एक टीचर हैं सर आमिर, जिन्हें मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने ये बताया कि इसको लिखते कैसे हैं। और पाकिस्तान में चूँकि ज़्यादातर बिन खलंदर स्टाइल की कैलीग्राफी को फॉलो किया जाता है, तो मुझे चूँकि अपने अंदर का आर्टिस्ट को बाहर निकालना था, इसलिए मैंने नए किस्म की कैलीग्राफी को, जैसे हम कैलीग्राफिटी कहते हैं, मॉडर्न आर्ट कैलीग्राफी कहते हैं, उसको फॉलो किया। बिन खलंदर स्टाइल में जो होते हैं ना वो पैटर्न्स और हमारे रिवायती जो अंदाज़ के जो काम हुए हुए होते हैं, जिसमें बलोची कल्चर, सिंधी कल्चर, ये अजरक किस्म के जिसमें कलर्स यूज़ हो रहे हुए होते हैं, रंगीन खुशनुमा कलर्स होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। मॉडर्न कैलीग्राफी में जो सबसे ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ कि ज़ोर दिया जाता है, वो कैलीग्राफी के ऊपर दिया जाता है और उसके स्टाइल के ऊपर। जितने खूबसूरत स्टाइल में आप कैलीग्राफी करेंगे उतना अच्छा उसका नज़र आएगा वो उसका काम। मैंने मॉडर्न स्टाइल जो है वो मैंने इंटरनेट पे देखकर लोगों को, क्योंकि यहाँ पर इतना फॉलो नहीं किया जाता, बाहर के मुल्क मिडिल ईस्ट और यूरोप में इसको बड़ा फॉलो किया जाता है, तो वहाँ के आर्टिस्ट सबसे जो मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो दो ही हैं, एक आदिल आबिदी के नाम से जो कनाडा में हैं और एक रूबी जाफरी जो कि US में हैं। इन दोनों को मैं फॉलो करता हूँ। और इसमें ये होता है कि ये जो सिखा रहे होते हैं या ये जो कर रहे होते हैं काम, उनको इनसे इंस्पायर होकर मैं अपना काम करता हूँ। साद खान का कराची से ही ताल्लुक़ है, मैंने उनके काम को पढ़ा भी है, उनके काम को समझा भी है, उनकी थ्योरी, उनकी फ़िलासफ़ी जो काम के पीछे होती थी वो भी पढ़ी है। वो बहुत खूबसूरत आर्ट जो है वो करते थे, लेकिन चूँकि हर आर्ट का एक ज़माना होता है तो मुझे लगता है कि हर ज़माने के लिहाज से कैलीग्राफी में तब्दीली आती है। तो अभी जो मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ ये उसी ज़माने की कैलीग्राफी है और इस चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू द बिन खलंदर स्टाइल या ट्रेडिशनल कैलीग्राफी। मेरा मकसद जो है वो बेसिकली इसी को आगे, इसके इस प्रोफेशन को, कैलीग्राफी के प्रोफेशन को आगे लेके ही चलना है। लेकिन चूँकि मैं डिज़ाइन भी पढ़ रहा हूँ तो कैलीग्राफी का ताल्लुक डिज़ाइन से भी बहुत है, क्योंकि डिज़ाइन में ये पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से आपने कलर्स को कंबाइन करना है, किस तरीके से दो कलर्स आपस में एक जगह आ सकते हैं या नहीं, किस तरीके से डिज़ाइन में हारमोनी पैदा की जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं डिज़ाइन से भी ताल्लुक़ रखती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों मैं साथ साथ लेके चल सकता हूँ और इंशाल्लाह चलूँगा। आजकल तो वैसे ये मैंने देखा है लोगों में ये शऊर आ रहा है कि वो इस कैलीग्राफी या जिसे कहते हैं आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बकअप कर रहे हैं कि आगे बढ़ें और इस पे अपना एज अ प्रोफेशन यूज़ करें। मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट तब किया जब जो है मैंने इसको सीरियस लिया। उससे पहले ये मेरा शौक़ था तो वो यही कहते थे कि आप इसको पहले यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर लें, उसके बाद आगे कोई काम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं आपको बता रहा कि ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से इस काम को भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस पर भी काम हो रहा है। वैसे अलमिया तो यही है कि लोग पहचानने वाले और समझने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई भी आर्टवर्क जो है वो चंद लम्हों में तैयार हो जाता है और उसके पीछे कोई मेहनत नहीं होती। इसके पीछे बेहद मेहनत की जाती है, एक ओरिजिनल आर्टवर्क बनाने में जितना टाइम लगता है वो उनको समझ नहीं आता। और फिर उसके बाद ये होता है कि लोग इस चीज़ को भी नहीं समझते कि इसमें आर्टिस्ट की कितनी मेहनत है। वो अपने स्किल्स के पैसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के, अपने एफर्ट के पैसे ले रहा होता है। मैंने जो है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 30
से 40 के दरमियान आर्ट वर्क बना लिए हैं, और अभी मैंने उसको इतना गिना नहीं, लेकिन मेरे लिहाज से वो 40 क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, इनके साइज़ जो हैं वो ये होते हैं कि स्टैंडर्ड साइज़ मैंने बना लिए हैं, 2x4 फिट जैसे हम 24x48 इंचेस कहते हैं वो कैनवस, और एक 2x3 फिट जिसको हम 24x36 इंचेस का कैनवस। ये दो कैनवस के ऊपर मैं 90% काम कर रहा होता हूँ, जिसको मैं स्टैंडर्ड साइज़ समझता हूँ। लेकिन मिडिल ईस्ट और यूरोप में तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, ये मॉडर्न डे कैलीग्राफी। पाकिस्तान में अभी हम इस चीज़ में थोड़ा पीछे हैं, इसलिए मैं जो है वो कोशिश में हूँ कि मैं किसी तरह भी लोगों को सिखाऊं, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ अंडर प्रिविलेज लोगों को, तो इसलिए मेरा ये गोल है कि मैं लोगों को वर्कशॉप कराऊं, और उस वर्कशॉप के लिए मैं अभी आजकल कोशिश में भी लगा हुआ हूँ। जी ये तो बिल्कुल ही ठीक बात कही कि 9 to 5 जॉब करना हमारे पास तो एक एज अ ट्रेडिशन बन गया कि मस्ट ये काम करें। इसके साथ साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये अपना कैलीग्राफी या आर्टिस्ट जो पैशन है इसको फॉलो करें। लेकिन सारी जो मैं जिस पर मैं यकीन रखता हूँ, जिस बात पर यकीन रखता हूँ कि अगर आपको रिस्क कहीं से भी लिखा हुआ हो तो वो तो आपको मिलना ही है। मैं जिस चीज़ में शौक़ रखता हूँ वो ये कैलीग्राफी है, जो मेरा पैशन है। तो जब आप पैशन में अपने इतने गुम हो जाते हैं या अपने पैशन के पीछे लग जाते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के पीछे लग जाते हैं, तो फिर आपके लिए रास्ते अल्लाह ताला खुद ही बना देता है। और जब रास्ते बन जाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कोई भी हरा नहीं सकता, या कोई भी रास्ते में आकर आपको रुकावट नहीं बन सकता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने ओरिजिनल आर्टवर्क को सेल करूँ, और बेसिकली मैं अपने जो आर्टवर्क हैं वो अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर डालता हूँ, जिसका नाम जो है वो सजाद आर्ट वाला के नाम से है, जो कि मैंने अपना एक यूनिक नाम सोचा था और रखा है। और मैं यहाँ पर अपने आर्टवर्क पोस्ट करता हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कस्टमाइज़ के ऊपर जोर देते हैं, और जब वो कस्टमाइज़ बन जाता है तो फिर उसी के ऑर्डर्स दूसरे लोग उसको चाहते हैं कि वही उनको मिल जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट को एक्सक्लूसिव आर्ट दूँ, कि जो आर्ट उनके पास ही हो, उसके अलावा किसी और के पास ना हो।